सरकारी मुलाजिम हो, दिन भर माला पहनने और माला पहनाने के अलावा कुछ करते भी हो। डिप्टी डायरेक्टर, तुम चपरासी बनने के लायक भी नहीं हो। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तुम भी डफर हो। कोर्ट के सामने प्रशासनिक अधिकारियों को फटकार लगाने वाले और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चित जजों में से एक जस्टिस रोहित आर्य ने अपनी रिटायरमेंट के 3 महीने बाद ही बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा ने भोपाल स्थित पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें सदस्यता दिलाई। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जस्टिस रोहित आर्य का चर्चा में रहना ये हमेशा से नहीं था। सुर्खियों और विवादों से दूर रहने वाले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने कथित तौर पर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और नलिन यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया था। दोनों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप थे। उन्होंने अपने आदेश में जस्टिस आर्य ने कहा कि सौहार्द और भाईचारे को प्रोत्साहित करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है, भले ही उस व्यक्ति का धर्म, भाषा और जाति कुछ भी हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुनव्वर फारूकी को बाद में जमानत दे दी थी। सोशल मीडिया पर मशहूर जस्टिस आर्य कलेक्टरों, पुलिस अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों को डांटते हुए कोर्ट क्लिप पर लाखों व्यूज हैं। दूध में मिलावट को लेकर 9 जिला कलेक्टरों को डांटने से लेकर सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ बोल्ड बयान देने तक का YouTube पर कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें जस्टिस आर्य मामलों की सुनवाई करते हुए अपने खास कॉमिक अंदाज में अधिकारियों को डांटते और फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सेना निर्वृत्त जस्टिस रोहित आर्य का जन्म 28 अप्रैल 1962 को हुआ था। शिक्षा में BA LLB हाईकोर्ट में 29 साल तक वकील के तौर पर प्रैक्टिस की। कॉर्पोरेट, फिड्यूसरी, अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू, प्रशासनिक, सेवा, श्रम कानून मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। हाईकोर्ट में केंद्र सरकार, SBI, दूर संचार विभाग, BSNL, कर्मचारी, राज्य बीमा निगम, आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 16 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 26 मार्च 1915 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।